So remaining exams on Leibniz rule that we'll see in this video. Consider this sum. A function satisfies the following relation. Capital Fx is equal to integral 1 to x ft dt. Where what is ft? Ft is integration 1 to t square root of 1 plus u raised to 4 by u du. तो f double dash of 2 ये निकालना है. तो f dash of x ये क्या आएगा? f of x into x का derivative 1. तो f double dash of x क्या होगा? f dash of x. Leibniz rule इस पे लगा दिया. अभी f dash of x यहाँ पे, f dash of t ये क्या होगा? इस फंक्शन में u की जगह पे t square put करना होगा, तो t raised to 8 आ जाएगा divided by t square इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. तो f डबल डैश ऑफ x क्या होगा? f डबल डैश ऑफ x होगा f डैश ऑफ x. f डैश ऑफ x आएगा, tt यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, सो 2 रूट ऑफ 1 प्लस टी रेज टू 8 बाई टी. अच्छा, f डबल डैश ऑफ x निकालना है, तो t की जगह पे x आ जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे x. ना f डबल डैश ऑफ 2 निकालना है, तो इधर 2 की वैल्यू रख देंगे, इसमें डिवीजन में 2 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस टू रेज टू 8, 2 will cancel out. This is the answer. Next, let us see question number 76. Solve example 76. Now evaluate I of b. I of b is equal to integral 0 to 1 x raised to b minus 1 by ln x dx. So evaluate karna hai. Fine. So यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव लगाएंगे आई डैश ऑफ बी, मतलब हम लोग डी बी ऑफ आई बी. अच्छा, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ये इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, अपर लोअर लिमिट एक्स पे लगेगी, तो पूरा का पूरा जो टर्म है वो बी बच जाएगा उसमें, मतलब इट इज़ अ फंक्शन ऑफ बी, तो इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. सो दिस इज 0 टू 1 पार्शियल डेरिवेटिव्स लगाना है. सो डी बाई डी बी ऑफ एक्स रेज टू बी माइनस 1 बाय ln x dx, which is integral 0 to 1, यहाँ पे आएगा dx. Now d by db, तो x को constant पकड़ना है, a raised to x का derivative a raised to x log a आता है, यहाँ पे x raised to b का derivative, x raised to b log, क्योंकि यहाँ पे x constant है, 1 का derivative 0 divided by log x constant है, तो ये cancel out होगा. अभी x raised to b का integral x raised to b plus 1 by b plus 1, 0 to 1, अपर लिमिट लगा दो 1 by b plus 1, लोअर लिमिट 0. सो दिस इज़ i dash of b इज 1 by b plus 1. अब इसका इंटीग्रल लगाएंगे तो i of b आ जाएगा, इसका इंटीग्रल है log of b plus 1 plus c. अब हम लोग क्या करेंगे, b को पुट कर देंगे 0. इफ b इज इक्वल टू 0 इन दिस, तो I ऑफ 0 आपको मिलेगा. इफ यू पुट b इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x रेज़ टू 0 दैट इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, इंटीग्रेंड इज 0, इंटीग्रल इज 0, सो दिस इज 0. तो 0 इज इक्वल टू b को 0 पुट कर देंगे, log 1 इज 0 प्लस c इज 0, तो I ऑफ b फाइनली कितना निकल के आएगा, log ऑफ b प्लस 1. नेक्स्ट, ये इसका इंटीग्रल हमको निकालना है, तो रिमेंबर दैट यहाँ पे है 1 बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, ये निकालना है. Now consider this integral I, 0 to pi by 2, 1 by a square sin square x plus b square cos square x. Simple, ये वाला integral हम लोग consider करेंगे. So di by da निकालेंगे, with respect to a इसका derivative लगाएंगे. So 1 by fx का derivative minus 1 by fx square. Into f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट आएगा, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a, ये तो कॉन्स्टेंट पकड़ा जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे dx आ जाएगा. सिमिलरली di आई बाय डी बी विद रिस्पेक्ट टू b इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 0 टू पाई बाय 2 माइनस 1 बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर इन टू, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x इंटू बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b dx. अच्छा, एक और चीज़, इसका इंटीग्रल आपने निकाला हुआ है,
डिवाइड बाय आप क्या करते हो, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे सीक स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ पे टैन स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ पे तो टैन एक्स को टी पुट कर दो और वहाँ से आप इसका नॉर्मली इंटीग्रल निकाल सकते हो। तो इसका इंटीग्रल है दिस वी हैव सीन बिफोर, तो इसका इंटीग्रल है पाई अपॉन टू ए बी, पाई अपॉन टू ए बी। तो जब आपने डी आई बाय डी ए विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये आ रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा पाए वन अपॉन ए का डेरिवेटिव माइनस वन बाय टू बी कॉन्स्टेंट है, वन बाय ए का डेरिवेटिव माइनस वन बाय ए स्क्वायर, ऐसे आएगा। इसी का जवाब विथ रिस्पेक्ट टू बी डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस पाए बाय टू ए बी स्क्वायर। अब ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। सो व्हेन यू ऐड देम माइनस साइन जीरो टू पाए बाय टू। अच्छा एक और काम हम लोग कर सकते हैं, ये जो 2a है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये जो 2b है यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे। सो व्हेन यू नाउ ऐड देम ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाए बाय टू बी ए क्यू एंड माइनस पाए बाय टू ए बी क्यू, ये आ रहा है। एंड फाइनली यहाँ से अपने को इसका आंसर मिल जाएगा, दोनों तरफ का जो माइनस माइनस है वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सो प्लस यहाँ पे पाई अपॉन टू ए बी आप कांस्टेंट निकाल दो तो यहाँ पे वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू गेट पाई अपॉन टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे टर्म्स आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे आपने टू बी शिफ्ट होगा, यहाँ पे फोर फोर आ जाएगा, व्हेन यू शिफ्ट इट यहाँ पे फोर, यहाँ पे फोर आएगा, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फोर आ जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज पाए बाय फोर ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट अस सी वन मोर सम, आई इंटीग्रल हमको निकालना है, इट इज़ जीरो टू पाए बाय टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, थीटा के लिमिट्स लगा देते हो, तो एक्स का टर्म बचा हुआ होगा तो ये एक्स का फंक्शन है। सो डी आई बाई डी एक्स निकालते हैं जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा के टर्म्स कॉन्स्टेंट है। नाउ लॉग का डेरिवेटिव वन बाय वन प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होंगे अगेन। सो दिस इज इंटीग्रल जीरो टू पाई बाय टू वन बाय वन प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स कांस्टेंट पकड़ना है और अब इसका इंटीग्रल कैसे लगाया जाए, सो डिवाइड बाय आप क्या कर दो कॉस स्क्वायर थीटा कर दो तो यहाँ पे सीक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पे सीक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पे एक्स टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डी थीटा। सो दिस इज इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू टैन एक्स को टी टैन थीटा को टी पुट कर दो सी स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी बनेगा वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर प्लस एक्स टी स्क्वायर। सो दिस इज जीरो टू पाई बाई टू वन बाय वन प्लस एक्स प्लस वन टी स्क्वायर, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं डी टी, तो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स इसका लिमिट इंटीग्रल लगता है वन बाय ए नहीं यहाँ पे वन का स्क्वायर, सो वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए, ये इसका आंसर है। फिर से बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी को तो यहाँ पे टैन थीटा आ जाएगा, अब थीटा का लिमिट्स लगा देते हैं जीरो टू पाई बाय टू, सो दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स टैन पाई बाय टू इज इन्फिनिटी, टैन इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय टू। अच्छा जब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल लगा रहे हैं तो वन बाय ए टैन एन बाई तो आएगा बट डिवीजन में क्या आएगा टी का कोएफिशिएंट रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हम लोग अपर लिमिट लगा देंगे टैन पाई बाय टू इज़ इन्फिनिटी, टैन इनवर्स इन्फिनिटी इज़ पाई बाय टू, डिवीजन में रूट ऑफ एक्स प्लस वन है ही, फिर माइनस अपर लिमिट लग गया, अपर लिमिट ये आ रहा है माइनस लोअर लिमिट टैन इनवर्स थीटा को जीरो पुट करो टैन जीरो इज़ जीरो टैन इनवर्स जीरो इज़ जीरो। सो द फाइनल आंसर इज पाई बाय टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा डी आई बाय डी एक्स को ला पाई बाय टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन, इसको इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आई आ जाएगा पाई बाय टू
वन बाय रूट ऑफ एक्स प्लस वन का इंटीग्रल टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन आता है, एंड यहाँ पे आएगा प्लस सी. सो द आंसर इज पाई रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी. दिस इज आई. नाउ आई का वैल्यू, जब आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देते हो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे तो आई की वैल्यू जीरो है. सो आई की वैल्यू जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो तो पाई प्लस सी आ जाएगा. तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, सी इज माइनस पाई. हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो इंटीग्रल आई निकल के आ जाएगा पाई रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस पाई. ये इसका आंसर है.